हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 11th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग MUHS पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पर MCQs देख लिया था। सो आज के इस टॉपिक से हम रिसर्च मेथडोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो मैं आपको बता दूँ, स्टेप्स ऑफ रिसर्च का ये हमारा पार्ट वन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपको इस टॉपिक से कंपलसरी 3 to 4 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो ज़्यादा टॉपिक है इस वेटेज पर, तो आपको सारे MCQs को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसी के साथ साथ, जैसे आपको पता है, MUHS का जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका 30 and 31st of August को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन रखनी होगी। आपको पता होना चाहिए MUHS का जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो MUHS का PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो उसके पेपर में आपको टोटल 100 MCQs पूछा जाता है। 100 MCQs को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है, 50-50 MCQs। तो आपको 50 MCQs रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं, 50 MCQs आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आपको जो सिलेबस फॉलो करना है, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, पार्ट टू होता है, उसके लिए आपको मास्टर्स लेवल का स्टडी मटेरियल यूज़ करना है। मास्टर्स लेवल में आपने जो भी स्टडी करी थी वही आपको स्टडी करनी है। एंड फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको जर्नल सिलेबस फॉलो करना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, तो ये सारे जो है ये टॉपिक्स आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के जनरल टॉपिक्स फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हमारे नोट्स है। नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, और जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। देन उसके बाद मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो हर एक मॉक टेस्ट में 40 से 50 क्वेश्चंस कवर है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड 1500+ MCQs रिवीजन PDF जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो इस तरीके से हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, और 100% हम यहाँ पर गारंटी देते हैं कि हमारे ही कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तब को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है हमारे इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए, और हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ MCQs से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज कर MCQs को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500+ MCQs रिवीजन PDF, जिसमें इस PDF में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको रिसर्च के कुछ ही स्टेप्स गिवन है, और हियर आर द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सो हियर फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम डेफिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च, जहां पर आपका टॉपिक सिलेक्ट करते हो कि आपको किस टॉपिक, आप चूज करते हो कि आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। सो यस, problem definition, it is the first step of research. Then after that, research design. Research design is also known as blueprint. Okay? जहाँ पर आप planning करते हो कि आप आपके research में और you can say आप decide करते हो कि आप कौन से method use करोगे, कौन से tool use करोगे,
ओके, कौन सा प्रोसीजर यूज करोगे आपके रिसर्च में, और आप कौन से थिंग्स आपके रिसर्च में कवर करोगे, आप इस स्टेप में सब प्लान करते हो। सो इस ओवरऑल प्लान को रिसर्च डिजाइन कहते हैं। और रिमेम्बर स्टूडेंट्स, इसी स्टेप में आप हाइपोथेसिस भी ले डाउन करते हो, विच इज नोन एज टेंटेटिव सॉल्यूशन, मींस आप एक टेम्पररी सॉल्यूशन देते हो। ओके, देन आफ्टर दैट आप रिसर्च मेथड सेलेक्ट करते हो, आप डिसाइड करते हो कि आप किस मेथड से आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे, लाइक इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, ओके, और यू कैन से सर्वेस। ओके, सो आप यहाँ पर इस स्टेप में आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज करोगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। देन आफ्टर दैट आप सैम्पलिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हो और डिसाइड करते हो। सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होता है, रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सैम्पलिंग मीन्स आप एक लार्ज पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लेते हो और इस पार्ट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, और आप उस पर्टिकुलर पार्ट पर कुछ टॉपिक लेते हो और उस पर स्टडी करते हो, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग। देन आफ्टर दैट आप डेटा कलेक्ट करते हो। सो आपने यहाँ पर डिसाइड किया था कि आप किस रिसर्च मेथड से आप आपके रिसर्च परफॉर्म करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर इंटरव्यूज लिया, मान लो आपने डिसाइड किया कि आप इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पर आप इंटरव्यू परफॉर्म करोगे और उस इंटरव्यूज के बेसिस पर आप डेटा को कलेक्ट करोगे। देन आफ्टर दैट आप इवेल्युएट करोगे आपके डेटा को, मीन्स आप आपके डेटा को फर्दर प्रोसेस करोगे, देन एनालाइज करोगे, देन इफ यू सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, देन आप आपके आप लास्ट स्टेप होता है, रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ जहां पर आप रिपोर्ट को राइट करते हो। ओके, सो स्टूडेंट, दीज आर द मेन स्टेप इन विच एनी रिसर्च स्टडी इज कंडक्टेड। सो हियर इन दिस क्वेश्चन अगेन आपको इन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च। सो फर्स्ट पर आपका आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन आफ्टर दैट आप डेटा कलेक्ट करोगे, देन थर्ड पर आएगा आपका डेटा एनालिसिस, एंड आफ्टर दैट आप रिपोर्ट को राइट करोगे, विच इज नोन एज रिपोर्ट राइटिंग, देन लास्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। सो करेक्ट ऑर्डर आपको ऑप्शन बी में गिवन है, सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल मीन्स फर्स्ट, ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है रिसर्च की, ये फाइंड आउट करनी है। सो एज यू नो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च। तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आप आपका टॉपिक चूज करते हो कि आप किस टॉपिक पर आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, आपका टॉपिक होना चाहिए रिसर्चेबल, सिग्निफिकेंट एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका टॉपिक। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में भी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च, जहां पर आपको प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इसके भी आपको स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। सो हियर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज आप ब्रॉड एरिया से स्टार्ट करते हो, सो आप उस ब्रॉड एरिया का सब एरिया चूज करते हो, देन आफ्टर दैट आप आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर टॉपिक चूज करते हो, एंड देन आप गैप्स आइडेंटिफाई करते हो। ओके, सो आप इन स्टेप में आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। सो लेट्स सी एग्जांपल। ब्रॉड एरिया मीन्स जैसे आपको मैथ्स में रिसर्च करनी है, ओके, देन मैथ्स में सब एरिया होता है, जैसे आपको यहाँ पर आपने मान लो आपको ज्योमेट्री में करना है, आपका सब एरिया है ज्योमेट्री, देन आपका ज्योमेट्री में आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और यू कैन से है एरिया ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक है आपका सर्कल। ओके, देन आफ्टर दैट आपने जो भी आपको जिस टॉपिक पर और जिस टॉपिक पर आपको इंटरेस्ट था आपने वो चूज कर लिया, देन आफ्टर दैट आप गैप्स आइडेंटिफाई करोगे, सो इस बेसिस पर आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करोगे। ओके, सो यस, इन स्टेप्स पर आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करोगे।
आई होप द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज क्लियर टू एवरीवन. सो यस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च. देन हियर ऑप्शन बी इज रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी डेटा कलेक्शन. इट इज द मिडिल स्टेप ऑफ डूइंग रिसर्च. सो यस, हियर आप डेटा को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कलेक्ट करते हो. अगेन हियर इट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो लिंक्ड और कनेक्टेड नहीं है विद द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. ओके, सो हियर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज द फर्स्ट स्टेप of doing any research, or this is very important step in research. So let's see here, option A, selection of research area. So yes, it is related with problem formulation, or you can say it is the first step in problem formulation. जैसे हमने previous question में देखा था, problem formulation के भी steps होते हैं, जहाँ पर आप आपकी problem formulation एक broad area से select करते हो. जैसे for example, अपने science, geography, हिस्ट्री, मैथ्स, आप जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना है, आप पहले एक ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करते हैं. देन आफ्टर दैट हियर ऑप्शन बी इज डाइसेक्ट ब्रॉड एरिया इनटू सब एरिया. अगेन हियर ऑप्शन बी इज आल्सो स्टेप इन, और यू कैन से इट इज आल्सो कनेक्टेड विद रिसर्च फॉर्मुलेशन. जहाँ पर आप अगर आप अपना ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर उस एरिया को डिवाइड कर दो. जैसे आपने यहाँ पर मान लो आपको साइंस में रिसर्च करनी है, सो आप क्या करोगे, साइंस में जूलॉजी सब्जेक्ट लोगे. अब जूलॉजी में भी आप यहाँ पर आप क्या करते हो, यही एरिया को और सब एरियाज में डिवाइड करते हो. जैसे जूलॉजी में भी आप देखते हो ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से एनिमल्स, प्लांट्स पर स्टडी होती है. सो यस, हियर ऑप्शन ई एंड बी बोथ आर द ऑप्शंस व्हिच आर रिलेटेड, और यू कैन से लिंक्ड विद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. देन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद problem formulation. That's why here option A and B are incorrect. Then we have option C, data analysis. So student, data analysis, it is the latest step in research. जहाँ पर आप कुछ conclusion find out करते हो और आप अपने hypothesis को test करते हो. That's why here option C is the right answer, or option C is not related with research problem. Next question. In the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम जब हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेते हैं, फिर उस स्टेप के बाद कौन से स्टेप परफॉर्म करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेप इन रिसर्च. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, जहाँ पर आप आपका टॉपिक चूज करते हो. ओके, देन आफ्टर दैट आपका सेकेंड स्टेप होता है रिसर्च डिजाइन, जहाँ पर आप प्लानिंग करते हो, आप डिसाइड करते हो कि आप आपके रिसर्च में कौन से थिंग्स कवर करोगे, कौन से मेथड से आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसी स्टेप में आप हाइपोथेसिस भी फॉर्म करते हो. सो व्हाट इज हाइपोथेसिस हियर, हाइपोथेसिस मींस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट इज टेंटेटिव सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन मींस एक टेंपरेरी सॉल्यूशन. अब टेंपरेरी सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अज्यूम किया कि एक पर्टिकुलर ड्रग है, और ये ड्रग कैंसर को क्योर कर सकती है. सो आप क्या कह रहे हो यहाँ पर, ये ड्रग जो है ये कैंसर को क्योर कर सकती है. आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि ड्रग कैंसर को क्योर करती है. ओके, सो दिस इज टेंटेटिव सॉल्यूशन, और यू कैन से ये एक टेंपरेरी सॉल्यूशन होता है, जहां पर हम बाद में ये फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और इस सॉल्यूशन को प्रूव करते हैं. अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है कि एक्चुअल में ये ड्रग जो है कैंसर को क्योर करती है, सो ये आपका जो टेंटेटिव सॉल्यूशन है, जो टेंपरेरी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है. ओके, सो दिस इज नोन एज हाइपोथेसिस. जब आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, सो उसके बाद आप रिसर्च टूल सेलेक्ट करते हो कि आप किस किस मेथड से आप आपकी रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज, दीज आर दी मेथड्स जहाँ पर आप रिसर्च टूल्स जो होते हैं आप सिलेक्ट करते हो. क्वेश्चन इज, और यू कैन से इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो. ओके, सो आप रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद हम
रिसोर्स टूल सेलेक्ट करते हैं. सो यस, हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन हियर ऑप्शन इज रिपोर्ट राइटिंग. जिससे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी एनालिसिस ऑफ डेटा. अगेन एनालिसिस ऑफ डेटा यहाँ पर आता है इस स्टेप में, इवेल्युएटिंग द डेटा. अगेन इट इज द लेटेस्ट स्टेप इन रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन, अगेन डेटा कलेक्शन आप इस मेथड्स, आपने जो भी टूल्स यूज किया है, जो भी मेथड यूज किया है, इस बेसिस पर आप डेटा कलेक्ट करते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो जब आप हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो, उसके बाद आप रिसर्च टूल सेलेक्ट करते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू इज डन. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि लिटरेचर रिव्यू हम कब करते हैं. सो हियर, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पहले जो रिसर्चर ने रिसर्च किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन. सो आप यहाँ इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हो? थ्रू आर्टिकल्स, जर्नल्स, ओके, थ्रू पेपर, मैगजीन्स, ओके. सो लिटरेचर रिव्यू, जहाँ पर आप पुराने आर्टिकल्स, रिसर्चर ने जो भी रिसर्च किया है उस टॉपिक को रीड करते हो, दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू. सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप लिटरेचर रिव्यू कब करते हो. सो लेट्स सी ऑप्शन ए, बिफोर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सो यस, इट इज करेक्ट. आप जब प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, उससे पहले भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो. जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिया आपने, जिस जहाँ पर आपको रिसर्च करनी है. जैसे मान लो आपको करना है ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च, ओके. ह्यूमन बॉडी के, जैसे मान लो कोई ऑर्गन्स पर आपको रिसर्च करनी है, ओके. तो आप देखेंगे किन किन ऑर्गन्स पर स्टडी की गई है, आप गैप्स फिल करने की कोशिश करोगे, ओके. तो मान लो आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पर स्टडी करना है, तो आपने यहाँ पर आपका टॉपिक सिलेक्ट कर दिया. दैट्स वाई आप जब भी आपकी प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, उससे पहले आप लिटरेचर रिव्यू करते हो. देन हियर ऑप्शन बी, आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सो यस, आप जब भी प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, ओके. ये जानने के लिए कि ये पर्टिकुलर, आपने मान लो एक ऑर्गन पर स्टडी करना है आपको, ओके. सो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे पहले रिसर्चर ने कौन कौन से मेथड्स यूज किए थे इस पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टडी करने के लिए, कौन से टूल्स यूज किए थे, ओके. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिव्यू हम प्रॉब्लम डिफाइन करने के पहले भी करते हैं एंड प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद भी करते हैं. That's why here option C is the right answer, both A and B. Okay, next question. Questionnaire, surveys and mail questionnaire come under. So students, इस question में हमें find out करना है questionnaire, surveys and mail questionnaire, ये method of data collection किस data collection के form में lie करता है. So here questionnaire means जहाँ पर रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चन लोगों को प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट करता है, एंड सर्वेस के थ्रू, एंड यू कैन से मेल क्वेश्चन है. सो रिसर्चर मेल से लोगों को क्वेश्चन फॉरवर्ड करते हैं, उस फीडबैक के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी रिसर्चर खुद अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा, ओके. सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट. देन ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा मीन्स जहाँ पर पहले से ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वही इंफॉर्मेशन रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं. सो सेकेंडरी डेटा मीन्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन. सो अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप एक्सटर्नल सोर्सेस से लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, और यू कैन से थ्रू बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज पेपर, और थ्रू इंटरनेट, ओके. सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी पर्सनल डेटा. अगेन स्टूडेंट्स रिमेंबर, पर्सनल डेटा नाम का कोई फैक्टर ही नहीं होता है रिसर्च में. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So here option A is the right answer, which is primary data. And remember students, data collection के भी type होते हैं, okay? Data collection के दो type होते हैं, which is primary data and secondary data. Remember this point. So for this question, option A is the right answer. Okay? Next, a blueprint of research work is called. So students, इस question में हमें find out करना है कि blueprint को हम और क्या कहते हैं. So here option A, research problem. So as you know, research problem में हम कोई problem define करते हैं, और you can say हम कोई particular एक topic select करते हैं कि इस topic पर हम research solve करेंगे, problem select करते हैं. So research problem is not called as blueprint. That's why here option A is incorrect.
देन ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन. सो यस, ब्लू प्रिंट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च डिजाइन. सो वॉट इज रिसर्च डिजाइन, वॉट इज ब्लू प्रिंट? जहां पर आप प्लानिंग करते हो. ओके, जैसे आप आपके रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे, और यू कैन से कौन कौन से टूल्स यूज करोगे, कौन कौन से प्रोसीजर यूज करोगे, और फर्दर क्या स्टेप्स यूज करोगे. सो आप ये सारी चीज आप रिसर्च डिजाइन में करते हो. सो रिसर्च डिजाइन और यू कैन से ब्लू प्रिंट में आप आपके रिसर्च में कौन कौन से थिंग्स कवर करने वाले हो, ये सब रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो, और यू कैन से आप डिसाइड करते हो. सो यस, ब्लू प्रिंट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च डिजाइन. दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी रिसर्च टूल्स. सो रिमेम्बर स्टूडेंट, रिसर्च टूल्स एंड रिसर्च मेथड ये दोनों भी सेम ही होता है, जहां पर आप कुछ टूल्स यूज करते हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए. जैसे हमने देखा था क्वेश्चनेयर्स, और यू कैन से इंटरव्यूज, आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, और केस स्टडी. ओके, सो इन सारे मेथड के थ्रू, और यू कैन से इन सारे टूल्स के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो. सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च टूल्स. सो हियर ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन. ओके, नेक्स्ट, रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं इन रिसर्च डिजाइन. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी. सो यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज आप रिसर्च डिजाइन में आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करते हो, आप रिसर्च प्रॉब्लम में पहले टॉपिक सिलेक्ट करते हो, सो आपका टॉपिक रिसर्चेबल होना चाहिए. आपका क्या एम है? ओके, हियर ऑब्जेक्टिव मीन्स एम. आपका क्या गोल है? आप जो टॉपिक ले रहे हैं क्या वो रिसर्चेबल है? क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा? ओके, क्या हेल्पफुल होगा वो लोगों के लिए? सो यस, हियर ऑप्शन ए कम्स अंडर रिसर्च डिजाइन. देन हियर ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. ओके, सो यस, अगेन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज इन रिसर्च डिजाइन आप कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉटर, हमको ये देखना है वॉटर का क्या इफेक्ट हो रहा प्लांट ग्रोथ पर. ओके, सो आप अगर वॉटर दे रहे हैं प्लांट को, तो प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है? सो आप ये स्टडी करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? ऑब्जर्वेशन. ओके, सो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप ये स्टडी करोगे. सो यस, योर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी भी हम रिसर्च डिजाइन में ही डिसाइड कर लेते कि हम कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करेंगे. देन हियर ऑप्शन सी टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. जैसे डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं? क्वेश्चनेयर्स, सर्वेस, ओके, मेल्ड क्वेश्चनेयर्स, और यू कैन से केस स्टडी, इंटरव्यूज. सो इन सारे टूल्स से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली रिसर्च डिजाइन में आप पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन से मेथड्स आप यूज करने वाले हो. सो बेसिकली आप रिसर्च डिजाइन में जो भी थिंग्स आप आपके रिसर्च में कवर करने वाले होते हैं, आप सब कुछ इस स्टेप में डिसाइड कर लेते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल द अबव. ओके, नेक्स्ट, विच डेटा इज डिपेंडेंट अपॉन रिसर्चर्स और इंडिविजुअल्स ओपिनियन. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा डेटा जो रिसर्चर अपने ओपिनियन के बेसिस पर कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को हम क्या कहते हैं. सो हियर ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव. सो हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ डेटा मीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज. सो आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं. सो यहाँ पर आपको, आपके पास फोर ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी. सो आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना होता है जो करेक्ट है. दैट मींस यहाँ पर आप आपके ओपिनियंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट करना होता है, आप पर्टिकुलर कोई एक ही करेक्ट होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन बी सब्जेक्टिव. सो यस, इट इज करेक्ट. रिसर्चर जो अपने ओपिनियन के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव. तो सब्जेक्टिव मीन्स जहाँ पर रिसर्चर इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं. ओके, सो रिसर्चर यहाँ पर अपने ओपिनियन के बेसिस पर, यू कैन से अपने जजमेंट और अपने प्रेफरेंस को आगे रखकर यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करते हैं. ओके, देन हियर ऑप्शन सी इज क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स जहां पर आपको डेटा नंबर्स के फॉर्म में मिले. सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव डेटा में भी रिसर्चर अपने ओपिनियंस, अपने जजमेंट को आगे नहीं रख सकते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज
इनकरेक्ट. वेर आर सब्जेक्टिव डेटा इज क्वालिटेटिव इन नेचर, ओके, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा इज क्वांटिटेटिव इन नेचर. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सब्जेक्टिव. नेक्स्ट, रिसर्च डिजाइन अचीव्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन से ऑप्शन में रिसर्च डिजाइन के पर्पसेस हमें गिवन है. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन, मिनिमाइजेशन ऑफ बायस. यस, इट इज करेक्ट. एज यू नो, रिसर्च डिजाइन में हम इस स्टेप में सब कुछ प्लान कर लेते हैं. हम हमारी रिसर्च में कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं. सो यस, सब कुछ प्लान है. दैट्स व्हाई हियर हमारे रिसर्च में चांसेस कम होते हैं एरर आने के. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ बायस. देन ऑप्शन बी, रिलायबिलिटी. यस, रिलायबिलिटी इज ऑल्सो करेक्ट, और यू कैन से रिलायबिलिटी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलायबिलिटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर आप नंबर्स ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपका रिजल्ट हर बार सेम आता है. सो यस, रिलायबिलिटी कम्स अंडर रिसर्च डिजाइन ऑल्सो. देन हियर ऑप्शन सी, सेव्स टाइम. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज आपने सब कुछ प्लान कर लिया है. सो आपका टाइम सेव होगा. आप ट्रायल्स और यू कैन से आप एरर मेथड से आप इस रिसर्च को नहीं परफॉर्म करेंगे. आप या इस स्टेप और यू कैन से रिसर्च में कुछ और गेसेस नहीं कर सकते, कुछ गेस नहीं कर सकते हो कि हम ये करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ प्लानिंग है. ओके, सो हियर यस, रिसर्च डिजाइन में हम सब कुछ प्लान करते हैं, इसलिए यहाँ पर मिनिमम चांस होते हैं एरर के. देन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, रिलायबिलिटी. देन ऑप्शन सी, आपका टाइम भी सेव होता है. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. सो स्टूडेंट्स, I hope the steps of research is clear to everyone. We will see next part of it in next lecture. And thank you for watching this video.